नहीं, थकावट तो नहीं हूं मैं, बस परेशान हूं थोड़ा। परेशान हो? अरे दफ्तर में तो सब खैरियत है ना बेटा। नहीं, ऑफिस में क्या होगा, सब कुछ सही है। सलीम याद है आपको? हाँ, उसके पास गया था मैं आज उसके घर पे। आप तो जानती हैं हमने एक साथ कंपनी ज्वाइन की, सैलरी भी हमारी एक जैसी है। अगर उसका रहन सहन देखें आप, फर्नीचर, एसीज, क्या बात। अभी 3 महीने पहले गाड़ी खरीदी उसने, नहीं समझ नहीं आ रहा कैसे हो रहा है सब कुछ। हैरत है बेटा, जब तुम दोनों की सेम तनख्वाह है तो वो ये सब कुछ कैसे अफोर्ड कर लेता है? नहीं, वो कह रहा है कि मैंने पता नहीं किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, उससे मुझे प्रॉफिट मिल रहा है मार्केट रेट से ऊपर। तो बेटा फिर तो वो सूद ले रहा होगा ना? मम्मी आजकल लोग सूद को प्रॉफिट ही बोलते हैं। बेटा गुनाह तो गुनाह ही होता है, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो। और वैसे भी क्या जरूरत है थोड़े से पैसों के लिए लालच दिखाने की? सूद तो हराम है, मगर हमारा माशरा इस दलदल में धंसता ही चला जा रहा है। ठीक ही कह रही हैं आप। खैर वो कहाँ है? शैनीला कहाँ है? ऊपर अपने कमरे में। चले मैं आता हूँ। आप कहां से आ गए? सलीम से उधार लिए, अगले महीने तक वापस कर दूंगा। जरूरत नहीं है मुझे, आपने कल वापस करनी चाहिए। शनीला क्या हो गया तुम्हें? इंतजाम कर दिया ना मैंने पैसों का, अब किस बात की नाराजगी है? एहसान किया है मेरे सर पे, मैं भी बंदोबस्त कर चुकी हूँ अपनी अंगूठी बेचकर। क्या रिंग बेच दी तुमने? तो और क्या करती? मुझे भी मालूम था कि आपके लिए बहुत मुश्किल है, तो मुझे ही कुछ ना कुछ करना था ना। शनीला मैंने कर तो दिया था पैसों का इंतजाम यार। अपने दोस्त से कर्ज लेकर, आपको पता है ना कि कर्ज वापस करने में 2 महीने कितने तंगी से गुजरेंगे। जब से मेरी शादी हुई है मैंने कोई अच्छा कपड़ा नहीं पहना, मैं किसी अच्छे रेस्टोरेंट में नहीं गई। आपको कोई अंदाजा है इस बात का मैं शादी से पहले क्या ऐसे रहती थी? पर नहीं, आप तो कह रहे हैं कि ठीक है जैसे चीजें चलती हैं चलती रहें। शनीला ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम्हारा पूरा पूरा एहसास है। मुझे पता है तुम्हारे हालात पहले अच्छे थे, तुम अच्छा रहती थी, अच्छा खाती थी, अच्छा पहनती थी, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी सैलरी इतनी नहीं है, आमदनी नहीं है मेरी इतनी। तो आमदनी बढ़ भी तो सकती है, लेकिन आप पे तो फसला ही नहीं है। कितना सारा कैश होता है आपके पास कंपनी का, लेकिन नहीं, ये नहीं होता आपसे कि किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। शनीला कैसी बेवकूफों की बातें कर रही हो तुम? वो कैश मेरा नहीं होता, वो कंपनी का होता है, मैं नहीं लगा सकता उसको कहीं भी, कैसे लगा दूं उठा के कहीं और? पकड़ा गया तो नौकरी से टर्मिनेट होगा और जिल्लत अलग। तो आप अपना काम क्यों नहीं करते? कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोई इवनिंग जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मेरी आमदनी बढ़े और तुम्हारी तकलीफात भी कम हो। अभी प्लीज मेरे लिए खाना गर्म कर दो यार, सुबह से कुछ नहीं खाया है।